माय इलेक्ट्रिकल स्किल्स योर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड वेलकम, आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉल बेल का कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, हमारे पास कॉल बेल है और एक कॉल बेल का स्विच है, तो दोनों हमारे पास रखा हुआ है, दोनों का बॉक्स रखा हुआ। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं आपको कॉल बेल का स्विच कैसे कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, हमारे पास ये कॉल बेल है एंकर कंपनी का, इस पर लिखा है डोर बेल, डिंग डोंग वाला है। इसमें वैरायटी भी आता है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कैप्टन डिंग डोंग है और ये पेंटा डिंग डोंग है इसके बाद, और ये रोज मैरी डिंग डोंग है इसके बाद, पायलट डिंग डोंग है, चेरी डिंग डोंग है, ऐसा करके सिटी डिंग डोंग है, ऐसे वैरायटी में आता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो अब इसका देखते हैं प्राइस। तो दोस्तों, इसका प्राइस दे रखा है MRP 200 यानी 200 रुपीज़, ये लगभग 40-50% के छूट पे मिल जाएगा। तो ये हमारा डिंग डोंग बेल हो गया, इसमें से ये निकला हुआ है। इसमें लटकाने के लिए एक हुक दे रखा है और दो वायर है जोड़ने के लिए, जो अभी बताएंगे कि कैसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, एंकर कंपनी का है और ये हमारे पास एक बेल पुश स्विच है। आप बोलेंगे इसको मार्केट में कॉल बेल, बेल पुश स्विच। आपको बोर्ड में लगाना हो तो बोर्ड वाला ले लीजिए, ये लटकाना होगा, हैंगिंग स्विच है ये। तो हैंगिंग करना होगा अगर कहीं टेम्प्रोरी, तो आप हैंगिंग कर सकते हैं, या आपका घर बन गया है तो बोर्ड में लगाना चाहते हैं तो एक ऐसा स्विच मिलता है जो बोर्ड में लग जाता है। ये हैंगिंग वाला है, इसमें से दो वायर निकल जाएगा और कहीं भी इसको लटका दीजिए, दबाएंगे तो कॉल बेल बजेगा। तो हैंगिंग वाला से हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये इसमें से निकला है कवर, इसका ये है, इस पर 23 रुपये अमाउंट दे रखा है, लेकिन ये आपको 10 रुपये का आसपास मिल जाएगा। ये 10 या 12 रुपये लेगा आपको, ये मार्केट में 10 या 12 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए कनेक्शन इसका देखते हैं। इसमें कनेक्शन में कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, ये हमारे पास दो वायर निकला हुआ है, तो दो वायर इसमें जोड़ लेंगे। पूरे घरों में न्यूट्रल तो एक ही होता है, तो न्यूट्रल जहाँ लगाना होगा ये बेल, वहाँ से नज़दीकी में न्यूट्रल को जोड़ लीजिए, और फेस जहाँ ये स्विच लगाना होगा वहाँ से एक फेस ले आइए, और फेस को एक इस स्विच में जोड़ लीजिए, और एक वायर ले लीजिए यहाँ से इस स्विच के लिए, कनेक्शन कर दीजिए। देखिए, कनेक्शन करके आपको समझाएंगे, थोड़ा वीडियो को स्किप कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, हम कनेक्शन इसका कर चुके हैं। कॉल बेल में दो टर्मिनल निकला रहता है, देखिए एक वायर ये निकला हुआ है, एक ये, तो एक तो डायरेक्ट न्यूट्रल में जोड़ देना है आपको सीधे। ये हम लाए हैं मेन लाइन, ठीक है। इसमें देखिए, हम फेस चेक करके दिखा रहे हैं, इसमें फेस हमारा टेस्टर जल रहा है, तो एक वायर इसका डायरेक्ट जो है एक न्यूट्रल को दे देना है। उसके बाद आपको फेस को कंट्रोल करना है किस से, कॉल बेल स्विच से। तो कॉल बेल स्विच हमारा ये है, कॉल बेल के स्विच में एक टर्मिनल जुड़ जाएगा और एक यहाँ से टर्मिनल से निकलेगा स्विच से, और ऐसे आकर के कॉल बेल के एक दूसरे तार में जुड़ जाएगा। तो दोनों वायर समझ में आ गया होगा आपको, जैसे स्विच जोड़ते हैं किसी बल्ब को जलाने के लिए वैसे ही जोड़ना है। अब देखिए, हम आपको बजा के दिखाते हैं। थोड़ा सा ये रिक्स है, इसको ढक्कन लगा लेना है और स्क्रू को कस लेना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं बजा करके। देखिए, पुश करेंगे बजेगा, देखिए पुश किए बजा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा साथ में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।